विकास दुबे एनकाउंटर के बाद एक और गैंगस्टर है जिसके नाम से लोगों के बीच दहशत फैलनी शुरू हो गई है। एक गैंगस्टर जिसके नाम से लोगों के बीच डर साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है। सुनील राठी का जिक्र हम यहां पर आपसे कर रहे हैं। बागपत जेल में माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या करने के बाद सुनील राठी पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा बदमाश बन चुका है जो सियासत में पैर पसारने की तैयारी में है। उसकी नजर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर है, अपने परिवार और समर्थकों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा है। जेल से उसकी लगातार धमकी भरी चिट्ठियां आने से बागपत में आम लोगों में खौफ है, नेताओं में खलबली है। उसके शूटर भी बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ में वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विधायक योगेश धामा को धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद बागपत की राजनीति में भूचाल आ गया है। योगेश धामा का परिवार लंबे समय से जिला पंचायत की कुर्सी पर काबिज है। वर्तमान में उनकी पत्नी रेणु धामा जिला पंचायत अध्यक्ष है। अब यहाँ पर जो खबर आ रही है, सुनील राठी अपनी माँ राजबाला चौधरी और परिवार के सदस्यों को वार्ड से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ये वार्ड फिलहाल चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। सत्ताधारी दल के विधायक को सुनील राठी की धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद बागपत की राजनीति में भूचाल आ गया है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे परमवीर तुगाना की हत्या की जा चुकी है। आरोप सुनील राठी गैंग पर लगा है। बताया जा रहा है तुगाना भाजपा विधायक धामा का करीबी था। बागपत में चर्चा ये भी है, सुनील राठी जिला पंचायत चुनाव से लेकर विधायकी तक में अपने परिवार के लोगों को लड़ाने की तैयारी कर रहा है। सवाल उठता है कि जो जेल में बंद है वो बागपत जिले में अपना बोलबाला कैसे कर रहा है। सुनील राठी के नाम से लगातार मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर में धमकी भरी चिट्ठियां आ रही हैं, जिसे लेकर पुलिस में खलबली मच चुकी है। सुनील राठी को 19 मार्च को पेशी पर लाया गया। राठी ने बदरखा के खनन पट्टे को रिश्तेदार बताया, कहा था राजनीतिक दबाव में खनन पट्टे की गलत जांच पर गलत जुर्माना लगाया गया, वो न्यायालय में चुनौती देगा, दोबारा जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर आपको बता दें, बागपत के रहने वाले लविश की हत्या लखनऊ में सुनील राठी के शूटर ने की, उसके बाद खूनी रंजिश शुरू हो गई। सुनील फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, अपने कर्मों की सजा काट रहा है, लेकिन उसका खौफ बागपत जिले में साफ तौर से नजर आ रहा है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।